हेलो स्टूडेंट्स, कल हम कुछ बेसिक टर्म्स कर रहे थे हमारे फर्स्ट चैप्टर की इनहेरिटेंस वाले की, जिसमें हमने रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होती है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इसमें मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है क्रॉसिंग, दो चीजों को मिलाना क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। तो जब आप मिलान के समय केवल एक ही गुण को पढ़ रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स ज्वाइन करना, कि व्हेन इन क्रॉस ओनली वन करैक्टर इज कंसिडर्ड। जैसे मैं बोलूं कलर ऑफ द स्किन, सिर्फ उस वक्त मैं कलर ऑफ स्किन की ही स्टडी करूं कई जनरेशन तक, तो क्या होगा, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। या मैं कहूं हाइट कैसी आ रही है, तो हाइट ऑफ द एनिमल या हाइट ऑफ द प्लांट की जब मैं स्टडी कर रही हूं कई जनरेशन तक, सिर्फ मैं हाइट को ही पढ़ती रहूं, तो वो क्रॉस क्या कहलाया जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैं कहूं टी कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जबकि रिसेसिव को हम हमेशा क्या किससे दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से। मैं ये डबल क्यों लिख रही हूं, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे आ रहे हैं ये, तो इसलिए हम इनको हमेशा डबल सेट में ही दिखाएंगे। डिप्लॉयड कंडीशन दिखा रहा है ये। कैपिटल मीन्स डोमिनेंट, स्मॉल मीन्स रिसेसिव, डबल मीन डिप्लॉयड कंडीशन है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो जब मैं सिर्फ हाइट की बात कर रही हूं, या मैं कहूं स्किन कलर को मान लो हम कैपिटल सी स्मॉल सी से दिखा रहे हैं, तो जब मैं एक ही करैक्टर को एक बारी में पढ़ रही हूं तो वो क्या कहलाया जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा क्या होता है हमारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि जब हम क्रॉसिंग के टाइम कितने करैक्टर्स पढ़े, टू करैक्टर्स पढ़े एक टाइम पे। जैसे मैं कहूं हाइट ऑफ द प्लांट प्लस कलर ऑफ द फ्लावर, मैं इन दोनों करैक्टर्स को इकट्ठा पढ़ रही हूं, तो जब मैं दो करैक्टर्स की स्टडी कर रही हूं कई जनरेशन तक, वो क्या कहलाया जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे अभी हमने सिंगल में लिखा था, एक ही करैक्टर को दिखाया था, यहां पर हम कैपिटल टी कैपिटल आर, एक ये करैक्टर हो गया, कौन सा है, ये हाइट ऑफ द प्लांट, ये कौन सा करैक्टर है, कलर ऑफ द प्लांट, क्रॉस कर दिया हमने स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। तो जब हम एक में दो करैक्टर्स, एक ही क्रॉस में दो करैक्टर्स को पढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हमारी टर्म है जीनोम। जीनोम क्या है, जो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम। जैसे हमारे अंदर कितना जीनोम है, 23। सेट ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हैप्लॉयड नंबर है, दैट इज कॉल्ड हिज और हर जीनोम। जैसे हम अपनी बात करें, हमारे अंडर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो कितना जीनोम है, 23 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे हम, प्योर लाइंस। प्योर लाइंस क्या होती हैं, कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कुछ क्या होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में रहते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो जब दोनों एलीलिक फॉर्म्स एक जैसी हों, यहां पर कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आ रहा है, स्मॉल टी के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, तो ये कैसी एलीलिक फॉर्म है, एक जैसी है, तो इनको हम क्या बोल रहे थे, होमोजाइगस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये कौन सी कंडीशन है, एक एलीलिक फॉर्म डोमिनेंट है और दूसरी क्या है, रिसेसिव है, ये क्या है, दो अलग एलीलिक फॉर्म है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, हिट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल जब हम बनाना चाहते हैं,
या हम कई जनरेशन तक जब क्रॉस करते रहें और हमें सिर्फ कैसी कंडीशन मिले, होमोजाइगस, यहाँ से सिर्फ कैसा गेमीट बनेगा, कैपिटल टी वाला ही बनेगा, यहाँ से कैसा बनेगा, स्मॉल टी वाला ही बनेगा, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी वाला भी बन जाए और स्मॉल टी वाला भी बन जाए। तो प्योर लाइन कहने का मतलब है कि कोई मिक्सिंग ना हो। मिक्सिंग कब नहीं होगी, जब होमोजाइगस कंडीशन हो। तो किसी भी करेक्टर को जब आप होमोजाइगस कंडीशन में ऑप्टेन कर लेते हो वो क्या कहलाता है, प्योर लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्योर लाइन। तो प्योर लाइन हम कैसे अपना सकते हैं, बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से आप क्या ऑप्टेन कर सकते हो, प्योर लाइंस ऑप्टेन कर सकते हो। कैसे, मान लो कोई प्लांट है कैपिटल टी वाला है, इसको मैं कैपिटल टी से ही क्रॉस करती रहूं। मान लो ये हमें टॉल दिख रहा है, क्या पता इसकी कंडीशन ऐसी भी हो तब भी ये हमें टॉल दिखेगा, इसको मैं क्रॉस करती रहूं तो हर बारी ये वाला जो करैक्टर है धीरे 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 कई जनरेशन तक खत्म होता चला जाएगा। यहां से जैसे मैं प्रोड्यूस करूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस करेंगे क्या आएगा, कैपिटल टी, ये क्रॉस करेंगे कैपिटल टी, तो कई जनरेशन तक जब आप क्रॉस करते रहोगे हमें ऐसी वाली कंडीशन क्या है, मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये कब हुआ कि जब आप किसी भी प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हो, कोई दूसरा जीनोम उसमें एंटर नहीं कराओगे तो आपको कैसी कंडीशन मिल सकती है, होमोजाइगस कंडीशन मिल सकती है। उस होमोजाइगस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइंस। तो प्योर लाइन ऑप्टेन करने का मेथड क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना, खुद ही के साथ फर्टिलाइजेशन करवाना, क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्रॉसिंग में क्या है, स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, तो स्प्रेड होने के चांसेस में रिसेसिव करेक्टर या दूसरा करेक्टर बोलेंगे हम, दूसरा करेक्टर आने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा रहेंगे। तो प्योर लाइन को आप कौन से मेथड से ऑप्टेन कर सकते हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। प्योर लाइन का मतलब है किसी भी करेक्टर को जब आप होमोजाइगस कंडीशन में ऑप्टेन कर लेते हो तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्योर लाइन। तो ये कुछ हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं। अब हम करते हैं कि मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले बताया, और उनके जो रिजल्ट्स थे वाकई ही प्रूफ करते थे कि वाकई ही हमारी जो जेनेटिक्स है या हमारा जो चीज, जब मेंडल ने काम किया उस वक्त हमें डीएनए के बारे में नहीं पता, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि डीएनए जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर अगली जनरेशन में, वो कैसे इनहेरिटेंट हो रहा है, उसको जाने का तरीका जो बताया था वो मेंडल ने बिल्कुल सही बताया था। इसी वजह से उन्हें क्या डिक्लेयर किया गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज हिज एक्सपेरिमेंट वॉज करेक्ट एंड सूटेड टू ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। हर जीव के लिए उन्होंने जो कहा था, जब वो प्लांट है जब वो एनिमल है, इनहेरिटेंस सूट करती थी जो उन्होंने बातें कही थी। तो उन्होंने अपना सबसे पहला काम जो शुरू किया था किसके ऊपर शुरू किया था, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पिसम स्टाइवम, इसके ऊपर उन्होंने काम किया अपने एक्चुअल बैकयार्ड में। अपने घर के पीछे उन्होंने क्या है, एक गार्डन बनाया और उसमें क्या है, गार्डन पी उगाई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, पिसम स्टाइवम। उन्होंने इसी प्लांट को क्यों चुना, क्योंकि इस प्लांट के पास कुछ अच्छे करेक्टर्स थे, जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना उसमें आसान था, इसलिए क्या ऑप्टेन हो सकती थी, प्योर लाइन्स ऑप्टेन हो सकती थी, आसानी से उगाई जा सकती थी, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी, ज्यादा उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं थी, इजी टू कल्टीवेट। और दूसरा बात क्या थी, एनुअल प्लांट था, दूसरे साल उसमें क्या आने लग गया, फल आने लग गया था। तीसरी सबसे बड़ी बात, बायसेक्सुअल फ्लावर था, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही थे, तो आपको ये नहीं था कि अलग से मेल प्लांट्स उगाने पड़ रहे थे और फीमेल प्लांट्स उगाने पड़ रहे थे, एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस
प्रेजेंट थे, शॉर्टर लाइफ स्पैन थी कि फल देने के बाद जो अगली जनरेशन दिखाई देने लग रही थी वो एक एक महीने या डेढ़ महीने के अंदर ही अगली जनरेशन दिख सकती थी। तो साल में, एक ही साल में आप क्या है 7 से 8 जनरेशन की स्टडी कर सकते थे जिसका लाइफ स्पैन बड़ा है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हम हमारी रिप्रोडक्टिव एज आने के बाद जैसे आफ्टर 20-25 ईयर्स हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन दिखाई देगी, तो 25 ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ रहा है अगली जनरेशन को जानने के लिए। तो वो क्या है, इतने क्या पता साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो जीवित रहे या ना रहे। तो मेंडल ने गार्डन पी को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन सिर्फ कितनी थी, 3 से 4 वीक्स में ही थी, फूल आए फिर उस पर फल लग गया और फिर सीड भी बन गए और सीड क्या है अगली जनरेशन को दिखा रहा था। तो छोटी लाइफ स्पेन होने की वजह से एक ही साल में वो कई जनरेशन तक को स्टडी कर सकता था, स्टडी कर पा रहा था, तभी उसने क्या बताया इनहेरिटेंस कैसे होती है। और काफी करेक्टर्स उसने स्टडी किए थे, हैज पी प्लांट हैज मैनी इनहेरिटेड करेक्टर जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जा रहे थे। तो मेंडल ने ये 7 करेक्टर्स पी प्लांट में स्टडी किए थे, 7 करेक्टर ही स्टडीड इन द पी प्लांट एंड ऑल दीज करेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम थे पी प्लांट में, 4 4 क्रोमोजोम थे, जो ये 7 करेक्टर्स इन 4 क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे। समझो 1, 2, 3, 4, एक यहां है एक यहां, तो इस तरीके से करेक्टर्स प्रेजेंट थे। अब बात करें हम कि वो 7 करेक्टर्स कौन कौन से थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा करेक्टर पी प्लांट, सॉरी मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट के लिए। तो ये 7 करेक्टर्स आपको याद होने चाहिए। हाइट ऑफ द प्लांट, तो हाइट ऑफ द प्लांट में क्या होगा, एक डोमिनेंट एलील होगी और दूसरी क्या होगी, रिसेसिव एलील होगी। एलील क्या होगी, उसी करेक्टर की 2 फॉर्म्स। एलील क्या होता है, उसी करेक्टर, करेक्टर क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट 2 रूप में दिखाई देगी, या तो प्लांट लंबा दिखाई देगा या प्लांट क्या दिखाई देगा, बोना दिखाई देगा। तो डोमिनेंट को हम किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल टी से, रिसेसिव को हम किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल टी से। दूसरा करेक्टर उसने स्टडी किया फ्लावर कलर, फ्लावर के कलर को स्टडी किया, वॉयलेट पर्पल कलर के फ्लावर आ रहे थे वो डोमिनेंट थे, कैपिटल W से दिखा रहे हैं हम। और रिसेसिव क्या आ रहे थे, वाइट कलर के फ्लावर आ रहे थे जो हम छोटे W से दिखा रहे हैं। तीसरा करेक्टर हुआ फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर कहाँ उग रहा है। अगर फ्लावर साइड में ग्रो कर रहा है तो वो क्या है, एक्सियल, ये डोमिनेंट करेक्टर है। अगर फ्लावर टिप पर ग्रो कर रहा है, टर्मिनल है, तो वो क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। पॉड की शेप, पॉड क्या होता है, जिसके अंदर मटर बनती है, मटर का जो छिलका है इसके अंदर मटर है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉड। पॉड की शेप, पॉड की शेप, इनफ्लेटेड का मतलब होता है पूरी मोटी मोटी, ये है ऐसे है, और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब है ऐसे ऐसे हो जाए ये। तो ये जो पूरा फूला हुआ छिलका है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेटेड, ये डोमिनेटिंग करेक्टर है, जबकि कंस्ट्रिक्टेड क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। पॉड का कलर कैसा था, ग्रीन, डोमिनेटिंग है। येलो आ रहा है तो वो क्या है, रिसेसिव है। छठा क्या है, सीड की शेप, अंदर जो दाने बन रहे हैं वो गोल बन रहे हैं, राउंड या उबड़ खाबड़ से बन रहे हैं, रिंकल्ड, तो स्मॉल आर से दिखा रहे हैं हम। सीड का कलर कैसा है, येलो डोमिनेटिंग, ग्रीन रिसेसिव, ठीक है। तो ये 7 करेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी किए थे, जो कितने क्रोमोजोम्स पर प्रेजेंट थे, 4 क्रोमोजोम। उनमें से
कुछ करेक्टर्स क्या हैं डोमिनेटिंग एलील्स के थे और कुछ करेक्टर्स क्या थे रिसेसिव एलीलिक फॉर्म्स के थे। तो मेंडल ने इन सातों करेक्टर्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किए, एक टाइम में उसने एक करेक्टर को लिया, जैसे हम कहें हाइट ऑफ द प्लांट, बस एक बारी में उसने हाइट ऑफ द प्लांट स्टडी करी। दूसरी बार उसने क्या लिया, फ्लावर कलर। ऐसे उसने सात एक्सपेरिमेंट लगाए। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाया जाएगा, एक टाइम में वो एक ही करेक्टर को पढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर उसने क्या किया, दो 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 करने शुरू कर दिए, हाइट ऑफ द प्लांट प्लस फ्लावर कलर, हाइट ऑफ द प्लांट प्लस फ्लावर पोजिशन, हाइट ऑफ द प्लांट प्लस पॉड शेप। तो यहाँ पर दो करेक्टर्स को स्टडी कर रहा है, वो दो करेक्टर की स्टडी को क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इन सातों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे और उन लॉज को हम क्या कहते हैं, थ्री लॉज। मेंडल ने क्या, थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल गेव थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या डायहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन को देखेंगे, तो उस फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ हमें क्या दिखाई देंगी, डोमिनेटिंग करैक्टर ही दिखाई देगा, डोमिनेटिंग करैक्टर ही दिखाई देगा, रिसेसिव दिखाई नहीं देगा। इसलिए नाम आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट ओनली वन आउट ऑफ टू एलीलिक फॉर्म्स, ओनली वन इज एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट जनरेशन। कि दो एलीलिक फॉर्म्स, जैसे हमने हाइट ऑफ द प्लांट में किया, कैपिटल टी डोमिनेटिंग है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। ये दो एलीलिक फॉर्म्स हैं हमारी हाइट ऑफ द प्लांट में। केवल इन दोनों में से कौन सी दिखाई देगी हमें, ये वाली, मतलब फिनोटाइप हमारी कैसी आएगी, डोमिनेटिंग आएगी, टॉल आएगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। कैसे हुआ, जैसे हम बात करें हाइट ऑफ द प्लांट, कैपिटल टी, इससे पहले हम एक चीज और करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड व्हेन सिंगल करैक्टर इज स्टडी ड्यूरिंग द क्रॉस, जैसे हम कहें हाइट ऑफ द प्लांट, तो अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो एक को हम क्या कह सकते हैं, वन इज फीमेल अदर इज मेल। क्रॉस लिखने का तरीका बता रही हूं बच्चे मैं आपको, एक फीमेल होगा एक मेल होगा, ये कैपिटल टी, कैपिटल टी हम इसको क्या कह सकते हैं, टॉल प्लांट है ये हमारा, कैपिटल टी कैपिटल टी। दो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि डिप्लॉयड नेचर, बीच में हम क्रॉस का निशान दिखाएंगे, दैट इज शोइंग क्रॉसिंग। स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये क्या है आपका, ड्राफ प्लांट, बोना प्लांट ले लिया हमने, एक लंबे प्लांट को क्रॉस कराया है किसके साथ, एक बोने प्लांट के साथ। तो यहां से जो गेमीट्स बनेंगे बच्चे, ये डिप्लॉयड है, गेमीट बनना है, गेमीट क्या होंगे, हैप्लॉयड। कैसे बनेंगे सारे गेमीट, एक ही तरीके का है तो कैसे बने, कैपिटल टी। गेमीट को हम हमेशा किसके अंदर दिखाते हैं, सर्कल के अंदर, दिस इज गेमीट। यहां से क्या बनेगा, स्मॉल टी, क्योंकि ये भी कंडीशन कैसी है,
होमोजाइगस। गेमीट बन गए हमारे फीमेल से गेमीट बन गया, मेल से गेमीट गए, दोनों में क्या हो जाएगी फ्यूजन, फ्यूजन हो गई ये। दोबारा से क्या आ गया हमारे पास जायगॉट तैयार हो जाएगा। जायगॉट क्या होता है, फ्यूचर प्लांट, फ्यूचर जनरेशन का प्लांट। तो फ्यूचर जनरेशन आ गई तो हम उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, पहली जनरेशन मिल गई। F का मतलब होता है फिलियल, फिलियल जनरेशन। तो कैसी मिली, कैपिटल T स्मॉल T, लेकिन आपको ये कैसा दिखाई देगा, टॉल, टॉल प्लांट दिखाई देगा। ठीक है, ये हुआ एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं पहली जनरेशन में दोनों एलीलिक फॉर्म में से केवल एक ही फॉर्म दिखाई देगी, और वो कौन सी, डोमिनेटिंग वाली। कैपिटल टी ही दिखाई दिया, स्मॉल टी नहीं दिखाई दिया, इसलिए कैपिटल टी क्या है, डोमिनेटिंग करैक्टर है। टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्राफ, यही क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। तो हम क्या, इससे हमें क्या पता चला, लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें क्या पता चला कि हर जो करैक्टर है इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, इस फैक्टर से। मेंडल ने इसको, आज हम कह सकते हैं जीन है ये, लेकिन उस वक्त जब मेंडल ने इसके बारे में बताया था तो उसको जीन नहीं पता, उसने उसका नाम क्या दे दिया, फैक्टर दे दिया। उसने कहा कि हर कोई करैक्टर, जैसे हम यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर कलर, कि उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई चीज है जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलेंगे। आज हम क्या बोलते हैं, आज के टाइम में हम जीन बोल रहे हैं। तो किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने वाली एक यूनिट है या एक चीज है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर। और ये फैक्टर हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर में। जैसे हम यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कैसे प्रेजेंट है, डिप्लॉयड, पेयर में है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ऐसे ही ड्राफिज्म किस में है, स्मॉल टी में। तो हमेशा फैक्टर कैसे प्रेजेंट होता है, फैक्टर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में प्रेजेंट होगा हमेशा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होने से क्या होगा कि हमारे पास जब पहली जनरेशन आ रही है तो वहां से जो गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो उनमें से केवल एक एलीलिक फॉर्म ही एक्सप्रेस करेगी जो क्या होगी, डोमिनेटिंग होगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल, एक ही एलीलिक फॉर्म एक्सप्रेस करेगी अपने आप को F1 जनरेशन में। इसलिए क्या लॉ बना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे हम एक और क्रॉस करके देखते हैं, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर कैसा था, हमने वॉयलेट डोमिनेंट था, कैपिटल W कैपिटल W। वाइट था रिसेसिव, अभी हमें रिसेसिव डोमिनेंट का नहीं पता, लेकिन ये अभी हम लिख कर आए हैं इसलिए मैं आपको यहां पर बता रही हूं। तो समझो हमने एक फीमेल प्लांट ली और एक मेल प्लांट लिया। फीमेल के सारे फ्लावर्स कैसे थे, वॉयलेट थे, तो कैपिटल W कैपिटल W। मेल के सारे फ्लावर्स कैसे थे, व्हाइट कलर के थे, स्मॉल W स्मॉल W। इनको आपने क्रॉस करा दिया, यहां से जो गेमीट बनेंगे वो क्या बनेगा, कैपिटल W, एक ही टाइप का है। गेमीट को हम क्या कर देंगे, सर्कल में दिखा देंगे। यहां से जो बनेगा स्मॉल W, इसको भी हम किस में दिखा देंगे, सर्कल में। दोनों को फ्यूज करा दिया, ये क्या बना है आपका पहले, गेमीट। तो क्या बन गया, कैपिटल W स्मॉल W। तो यहां से जो F1 जनरेशन में प्लांट्स आए,
मेंडल को सारे कैसे दिखाई दिए? वॉयलेट कलर के दिखाई दिए। पहली जनरेशन में कोई भी वाइट कलर का फ्लावर नहीं आया प्लांट के ऊपर। ऐसे ही उसने क्या देखा, जब हाइट ऑफ द प्लांट स्टडी करी, कि पहली जनरेशन में कोई भी बोना प्लांट नहीं मिला उसको। सारे के सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले। तो यहां पर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो टॉलनेस है इज डोमिनेंट ओवर ड्राफिज्म, या हम कहें वॉयलेट कलर इज डोमिनेटिंग ओवर वाइट कलर। इसलिए वाइट कलर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। सिर्फ पहली जनरेशन में कौन सा कलर एक्सप्रेस हो रहा है? वॉयलेट। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि दो एलीलिक फॉर्म में से केवल एक ही एक्सप्रेस होगी पहली जनरेशन में। इसलिए क्या लॉ बना हमारा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओनली डोमिनेटिंग एलीलिक फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें हम। ऐसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे हम। ऐसे ही उससे पहले हम एक और लॉ करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस थर्ड लॉ में आएगा, इसलिए हम वहां पर करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हम सेकंड लॉ करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ क्या दिया मेंडल ने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। इसको एक और लॉ नाम से जानते हैं, प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। प्योरिटी ऑफ गेमीट्स से भी जानते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई करेक्टर एक पेयर ऑफ फैक्टर से ब्रॉट आ रहा है, या हम कहें कि कोई भी करेक्टर पेयर ऑफ फैक्टर या एलील से रेगुलेट हो रहा है, जैसे मैं टॉलनेस की बात करूं तो ये दो एलील्स प्रेजेंट है इसके अंदर, या ये भी टॉल कहलाया जाएगा, है ना, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, कि हर करेक्टर दो एलीलिक फॉर्म से एक्सप्रेस होता है ना। लेकिन जब इनसे गेमीट बन रहे हैं तो इनमें से केवल एक एलीलिक फॉर्म ही आगे जाती है। जब गेमीट्स बन रहे हैं तो केवल एक ही, तो यहां से गेमीट बनेंगे तो क्या बनेगा? स्मॉल कैपिटल टी। यहां से जो गेमीट बनेंगे वो दो तरीके के, आधे कैसे बनेंगे? कैपिटल टी वाले, और आधे कैसे बनेंगे? स्मॉल टी वाले। तो गेमीट में बचे केवल एक ही एलीलिक फॉर्म जाती है, कभी भी गेमीट ऐसे नहीं बनेगा। अगर ऐसे गेमीट बन रहा है तो वो क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा, गलती है, वो कमी है, उसकी वजह से डिजीज हो सकती है। तो गेमीट फॉर्मेशन के टाइम हमेशा जब भी कोई एलीलिक फॉर्म है किसी भी जीन की या किसी भी करेक्टर की, गेमीट में केवल उनमें से एक ही फॉर्म जाएगी। जैसे यहां पर कैपिटल टी ही जा रही है, इसमें हिट्रोजाइगस कंडीशन में आधे गेमीट्स 50% वाले कैसे बनेंगे? कैपिटल टी वाले। 50% कैसे बनेंगे? स्मॉल टी वाले। जैसे हमने, आपको याद हो, हमने सेक्स निकालने का तरीका देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि जो फीमेल्स हैं ऐसे होता है और मेल्स क्या हैं ऐसे। तो यहां से जो गेमीट बनेंगे सारे गेमीट एक्स वाले ही बनेंगे, है ना, जबकि यहां से जो गेमीट बनेंगे आधों के पास क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम, और आधों के पास क्या होगा? वाई क्रोमोसोम। तो ये देखो, जो मेंडल ने लॉ दिया था सेग्रीगेशन का, वो हमारे ह्यूमंस के ऊपर भी लागू हो रहा है, कि जब भी कोई करेक्टर के दो एलीलिक फॉर्म से रेगुलेट हो रहा है तो अगली जनरेशन में जाते हुए जो गेमीट्स बन रहे हैं उनमें केवल एक ही फॉर्म जाएगी, दोनों फॉर्म नहीं जाएगी, ऐसे नहीं बनेगा कभी भी गेमीट। इससे क्या होगी? डिजीज हो जाएगी इससे। तो गेमीट फॉर्मेशन के टाइम केवल वन एलीलिक फॉर्म इज गोइंग ऑन, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। ये नहीं है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा एक ही एलीलिक फॉर्म अगली जनरेशन में जा रही है गेमीट बनाने के समय। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था
हाइट ऑफ द प्लांट को हमने क्रॉस कराया, सॉरी ये लिया मान लो हमने, ठीक है, या ऐसे भी ले हम, ये कैसा मान लो ये फीमेल है ये मेल है, ये कैसी फीमेल है, टॉल, क्यों, क्योंकि टी इज डोमिनेटिंग, ये मेल भी कैसा है, टॉल, बिकॉज टॉल इज डोमिनेटिंग करेक्टर ओवर स्मॉल टी। यहां से जो गेमीट्स बनेंगे कैसे बनेंगे बच्चे, आधे के पास तो क्या आएगा कैपिटल टी और आधों के पास क्या आएगा स्मॉल टी, तो गेमीट के टाइम ये दोनों एलीलिक फॉर्म क्या हो गई, अलग, जैसे होमोलोगस क्रोमोजोम, जैसे हम कहते हैं 46 क्रोमोजोम है, 23 एक में चले गए 23 एक में चले गए, तो 23 आधे ऐसे बन गए आधे ऐसे, तो आधों के पास क्या चला गया कैपिटल टी और आधों के पास क्या आ गया स्मॉल टी, ऐसे ही यहां से बनेगा। तो गेमीट फॉर्मेशन के टाइम केवल एक ही एलीलिक फॉर्म आगे जाती है, ऐसे यहां से हम बनाए मान लो ये फीमेल है ये मेल है, यहां से गेमीट क्या बनेंगे सारे के सारे कैसे बनेंगे कैपिटल टी वाले, यहां पर सारे के सारे कैसे बनेंगे स्मॉल टी वाले। तो गेमीट फॉर्मेशन के टाइम ओनली वन ऑफ द एलीलिक फॉर्म ऑफ ए फैक्टर और ए जीन इज गोइंग इन इन अ गेमीट, गेमीट फॉर्मेशन के टाइम केवल एक ही एलीलिक फॉर्म एंटर करती है दूसरी नहीं करती है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, नेक्स्ट में हम अगला लॉ करेंगे और डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। थैंक यू।